हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर 1 साइंस न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि हमारी इंडिया के पास कितने वर्ल्ड कप्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन इट इज़ अ मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। यानी कि जो न्यूट्रिशन है वह एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म्स फूड लेता है, फूड इनटेक करता है और उसका अपनी बॉडी में यूटिलाइजेशन करता है। इसी प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स द कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बॉडी। यानी कि जो फूड के कंपोनेंट हमें जो फूड के जो कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं उन्हीं को हम हमारी बॉडी के लिए जो फूड कंपोनेंट्स नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं उन्हीं को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स टेक फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडीज। मतलब जो सभी ऑर्गेनिजम्स हैं वह फूड इंटेक करते हैं और इसका यूटिलाइज करके एनर्जी लेते हैं। और एनर्जी का वो क्या इस्तेमाल करते हैं, तो एनर्जी का इस्तेमाल वो ग्रोथ के लिए और अपनी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए ऑर्गेनिजम्स फूड का इस्तेमाल करते हैं। ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्फ बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दे आर ऑटोट्रॉप्स। यानी कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और किसकी प्रोसेस से, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। अब हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस यानी कि ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टेकन फ्रॉम द एनवायरनमेंट प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कॉल्ड क्लोरोफिल फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फूड। यानी कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है कि जो ग्रीन प्लांट हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से एनवायरनमेंट में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से जो एनवायरनमेंट में जो वाटर प्रेजेंट होता है उसका यूज करके उसे एक क्लोरोफिल नाम का सब्सटेंस, ग्रीन पिगमेंट जो लीव्स में पाया जाता है, वह कैप्चर करता है सनलाइट को कैप्चर करता है। क्या, क्लोरोफिल सनलाइट को कैप्चर करता है। और इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि फूड बनता है, फूड की मैन्युफैक्चरिंग होती है प्लांट्स में। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। प्लांट्स यूज सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड। यानी कि जो प्लांट्स हैं वह सिंपल केमिकल सब्सटेंस यूज करते हैं। अब वह सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस क्या हैं, जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का और मिनरल्स का। यानी कि जो प्लांट्स हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का, मिनरल्स का इस्तेमाल करते हैं अपने फूड को बनाने के लिए। अब हम देखते हैं कि क्लोरोफिल क्या होता है। तो क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी कि जो क्लोरोफिल और सनलाइट हैं वे फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं। यानी कि क्लोरोफिल और सनलाइट दोनों ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए ज़रूरी होते हैं। कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि फोटोसिंथेसिस की जो एंड की प्रोसेस होती है उसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो बनती हैं उनको क्या बोलते हैं। यानी कि जो उनका प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का वो क्या होता है, वो होता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट होता है उसे ही हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। सोलर एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड इन द लेयर्स लीव्स विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। यानी कि जो सोलर एनर्जी है, जो सन से प्राप्त एनर्जी होती है, वो एनर्जी फूड की फॉर्म में लीव्स में क्लोरोफिल की मदद से स्टोर हो जाती है।
ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान हम O2 रिलीज करते हैं, हम नहीं यानी कि प्लांट्स रिलीज करते हैं O2। ऑक्सीजन रिलीज इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज बाई लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल, यानी कि जो ऑक्सीजन है वह फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज होती है और इसी का इस्तेमाल हम लिविंग ऑर्गेनिज्म सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं, किसका इस्तेमाल O2 का इस्तेमाल, और वह अपने सर्वाइवल के लिए ही सभी ऑर्गेनिजम्स O2 का इस्तेमाल करते हैं। O2 यानी कि ऑक्सीजन। फंजाई ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड डिकेइंग मैटर, दे आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स, यानी कि जो फंजाई होते हैं वे अपना जो भोजन है वह कहाँ से लेते हैं, तो अपना भोजन मरे हुए और सड़े हुए मैटर से अपना फूड लेते हैं, और इसलिए उन्हें फंजाई को हम क्या बोलते हैं, फंजाई को हम सेप्रोट्रॉप बोलते हैं। प्लांट्स लाइक कसकटा आर पैरासाइट्स, जो कसकटा हम बोलते हैं अमरबेल को, अमरबेल जैसे प्लांट यानी कसकटा जैसे प्लांट्स को हम पैरासाइट्स बोलते हैं। अब जो पैरासाइट्स हैं वो क्या करते हैं, तो दे टेक फूड फ्रॉम दिस होस्ट प्लांट, जो कसकटा जैसे प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो होस्ट प्लांट से अपने होस्ट प्लांट से फूड लेते हैं। वो होस्ट प्लांट क्या होता है, जैसे कि ये कसकटा है, तो कसकटा जिस ट्री पर चढ़ेगी, जिस ट्री पर अपना सर्वाइवल के लिए उस ट्री का इस्तेमाल करके, उसी को होस्ट प्लांट बोलते हैं। अ फ्यू एंड ऑल एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर न्यूट्रिएंट्स एंड आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स, यानी कि कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ प्लांट्स और सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हम भी ह्यूमंस भी किस पर डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं, इसलिए हम उन्हें हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं। हम सभी हेटरोट्रॉप्स हैं, ना कि ऑटोट्रॉप्स। अब हम देखेंगे पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें क्या होता है कि पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स डेट लिव ऑन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर सर्वाइवल करते हैं, उसी को ही हम पैरासाइट बोलते हैं, और इस मोड ऑफ न्यूट्रिएशन को हम बोलते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिएशन। ऑल पैरासाइटिक प्लांट्स फीड ऑन अदर प्लांट्स एज आइदर, यानी कि जो सभी पैरासाइटिक प्लांट्स हैं वह अदर प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं, जैसे कि पार्शियल पैरासाइट्स ऑब्टेन सम ऑफ देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट, एग्जांपल पेंटेड कप, यानी कि कुछ होते हैं पार्शियल पैरासाइट्स, जैसे कि वे कुछ न्यूट्रिएंट्स, सभी न्यूट्रिएंट्स नहीं, कुछ न्यूट्रिएंट्स अपने होस्ट प्लांट से लेते हैं, जैसे कि पेंटेड कप है वह कुछ न्यूट्रिएंट्स अपने होस्ट प्लांट से ले लेता है। अब हम देखेंगे टोटल पैरासाइट्स क्या होते हैं, तो टोटल पैरासाइट्स डिपेंड कम्प्लीटली ऑन द होस्ट फॉर न्यूट्रिशन, एग्जाम्पल मिसलेटॉय, यानी कि नहीं, कोई और एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि कसकटा, यानी कि इसका मतलब होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वह कम्प्लीटली होस्ट प्लांट पर डिपेंड रहते हैं न्यूट्रिएशन के लिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कसकटा पूरी तरह से अपने होस्ट प्लांट पर डिपेंड रहता है। अब हम देखेंगे सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिएशन क्या होता है, तो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएशन डेट ऑर्गेनिजम्स डेट ऑब्टेन न्यूट्रिएशन फ्रॉम डेड एंड डिकिंग मैटर एंड एनिमल मैटर, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स डेड एंड डिकिंग मैटर से अपना फूड प्राप्त करते हैं, उन्हीं को हम सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं, उस मोड ऑफ न्यूट्रिएशन को हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिएशन। अब हम देखेंगे मशरूम्स के बारे में और फंजाई के बारे में और बैक्टीरियाज के बारे में, तो मशरूम्स मोल्ड्स एंड सर्टेन टाइप्स ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया आर एग्जांपल ऑफ सेप्रोट्रॉप्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रीन प्लांट्स विच ऑब्टेन देयर नरिशमेंट पार्शली फ्रॉम सॉइल एंड एटमोसफियर एंड पार्शली फ्रॉम स्मॉल इंसेक्ट्स, एग्जाम्पल प्लांट ब्लैडर वॉर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप, यानी कि अब हम देखेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वह होते हैं जो ग्रीन प्लांट्स अपने नरिशमेंट के लिए सॉइल पर डिपेंड रहते हैं, पार्शली सॉइल पर डिपेंड रहते हैं और दूसरे इंसेक्ट्स पर डिपेंड रहते हैं, उन्हीं को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं, जैसे कि पिचर प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो अपने न्यूट्रिएशन के साथ साथ इंसेक्ट्स पर भी डिपेंड रहता है, और वीनस फ्लाई ट्रैप भी ऐसा ही एक इस टाइप का एग्जांपल है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का, वह भी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की जो न्यूट्रिएशन की जो प्रोसेस होती है उसे फॉलो करता है। अब हम देखेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप,
यानी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स एसोसिएट विद ईच अदर टू फुलफिल दियर रिक्वायरमेंट ऑफ फूड, यानी कि एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स, दो इंडिविजुअल्स अपनी रिक्वायरमेंट की फूड के लिए, फूड की रिक्वायरमेंट के लिए खुद फॉलो करते हैं, यानी एक दूसरे का साथ देते हैं, उन एक दूसरे की हेल्प करते हैं, उसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। लाइकेंस फाउंड ऑन ट्री ट्रंक्स इज द एसोसिएशन बिटवीन एल्गा एंड फंगस। एल्गा ऑब्टेन्स वाटर फ्रॉम फंगस एंड इन रिटर्न ऑब्टेन्स फूड फ्रॉम एल्गा, यानी कि जो एल्गा एंड फंजाई हैं वो इस बात के एग्जांपल हैं, यानी कि एल्गा जो है वह फंगस से वाटर प्राप्त करता है और जो फंगस है वह रिटर्न में एल्गा को फूड देता है। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगे इस बात का आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।